जी सर, आज की जो घटना है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज सुबह 7:30 बजे मेरे ईसी रोड स्थित कार्यालय में 3 हथियारबंद लोग यहाँ पर सुबह मेरे कार्यालय में घुस गए और घुस करके मेरे कर्मचारी जो यहाँ पर हैं उनको बांध दिया और उनके कंपटी पे रिवॉल्वर लगा करके मेरे बारे में पूछने लगे कि कहाँ है दो देखना है। मेरे कर्मचारी घबरा गए। 25-30 मिनट वो यहाँ पर दफ्तर में रहे और दफ्तर में रह के लगातार मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे कि कब आएंगे, धमकाते रहे, उनको गाली गलौज करते रहे। और एक कर्मचारी मौका पा करके छत पे चढ़ गया, उसने शोर मचाया। तो तीसरा जो कर्मचारी ऊपर छत पे था वो उनके पीछे गया, जो ये लोग शोर सुन करके भागे कि उनके पीछे वो भागा। तो सेंट्रो कार में वो लोग, जो सेंट्रो कार में पहले से ही 2-3 लोग और बैठे थे, उस सेंट्रो कार में बैठ करके वो फरार हो गए। मुझे जब इसकी सूचना मिली तो मैं 8:30 बजे करीब पहुँचा दफ्तर में। मेरे कर्मचारी दोनों घबराए हुए थे। मैंने इसी बीच पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुँच गई थी। पुलिस ने उनसे सारी तहकीकात करी, जानकारी करी, पता लगा कि 3 लोग थे और बार बार मेरे बारे में अपशब्द कह रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जान से मारने के लिए बोल रहे थे। उनको भी धमकी दे रहे थे कि तुम पुलिस को बताओगे तो तुमको भी गोली मार देंगे। 3 में से 2 के हाथ में हथियार थे, रिवॉल्वर बता रहे हैं, कट्टा तमंचा रिवॉल्वर जो भी रहा, लेकिन 2 हथियारबंद लोग थे और 25 मिनट तक लगातार मेरे दफ्तर में लोग रहे। इसी बीच में 7:30 और 8:30 के बीच में यहाँ पर रोज आना, अपना रूटीन एक्सरसाइज करने के बीच में मैं आता हूँ और अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल करता हूँ, लेकिन आज रविवार था इसलिए मैं दफ्तर में सुबह नहीं आया। जब मुझे सूचना मिली घर में 8:15 बजे करीब, 8:20 के करीब, तो मैं फिर यहाँ पर 8:30 बजे पहुँचा और पुलिस भी पहुँची है मौके पर। बड़ा अचंभा है, ये देहरादून की सबसे VVIP रोड है। इसी रोड में महामहिम से लेकर के और मुख्यमंत्री से लेकर के और कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के पूरी सरकार दिन भर दौड़ती है इस रोड पे। जिलाधिकारी और कप्तान भी इसी रोड से होकर के अपने दफ्तरों में जाते हैं। इस सड़क पे इस प्रकार की घटना सुबह 7:30 बजे के टाइम पे हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस से मैंने आग्रह किया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए और पता किया जाए कि उन लोगों का इंटेंशन क्या था। इंटेंशन तो साफ पता लग रहा है, क्योंकि मेरे कार्यालय में, मेरे घर में अगर ये घटना होती तो मैं कहता है चोरी के लिए, लूट के लिए, डकैती के लिए घटना हो रही है। मेरे दफ्तर में घटना हो रही है, दफ्तर में तो कोई मेरा न पैसा रहता है, न मेरा कोई घर का सामान रहता है जिसको वो चोरी कर सकते थे या लूट सकते थे। तो इस प्रकार से दफ्तर में हथियारबंद लोगों का बेधड़क होकर के आ जाना और मेरे बारे में जानकारी हासिल करना, मुझे गाली गलौज करना, मेरे लिए जान से मारने की बात करना, ये बड़ा एक मेरे लिए शॉकिंग है। आपको इसको लेकर सर क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पे ये? देखिए, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से है नहीं और उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल ऐसा है नहीं, हम तो सब लोग मित्र हैं आपस में। जितने राजनीतिक दलों के नेता हैं, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के, निशंक जी से मेरी मित्रता है, त्रिवेंद्र रावत मेरे अच्छे मित्र हैं, खंडूरी जी का हम सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, हरीश रावत जी हमारी पार्टी के लीडर हैं, प्रीतम सिंह जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सब लोग जब आपस में मिलते हैं तो कोई वैमनस्य या कोई ऐसी दुश्मनी तो है नहीं कि कोई किसी को जान से मरवाने के लिए ऐसा काम करे। जैसा आपने बोला व्यक्तिगत नहीं है, तो व्यक्तिगत नहीं है तो इसके बाद निश्चित तौर पर कोई ना कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के तो काम कर रहा है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रहा है या किसी और ईर्ष्या या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रहा है, ये तो पुलिस का काम है पता करना। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मेरी ऐसी किसी से दुश्मनी नहीं है कि कोई मुझे जान से मारे, लेकिन घटना हुई है और घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है, गाड़ी जिस गाड़ी में वो लोग आए थे। तो इसलिए पुलिस इसकी जांच करे और असली इंटेंशन क्या था उनका ये मालूम पड़ना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो जरूरी है ही, राज्य के लिए भी जरूरी है। अगर ऐसी कोई बात है कि कोई इस तरह का साजिश रच रहा है किसी को एलिमिनेट करने की, तो वो साजिश का पता लगना जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन लोग थे, किस इंटेंशन से आए थे, किस मंशा से आए थे। क्योंकि मेरे यहाँ तो चोरी डकैती का तो यहाँ पर सवाल नहीं उठता, छोटी मोटी कोई चीज ले गए तो अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पर दफ्तर में जहाँ मैं जनता की बातें सुनता हूँ, जनता की समस्याएं सुनता हूँ और मैं रोजाना यहाँ पर आके बैठता हूँ, ऐसे तो कोई भी आकर के, क्योंकि कोई मेरे यहाँ पे मेटल डिटेक्टर तो लगा नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी सुरक्षा तो सरकार की है नहीं कि कोई चेकिंग करके अंदर आए, तो मैं तो जो भी आदमी मेरे दरवाजे में आता है, मेरे घर, मेरे ऑफिस में आता है, उससे मैं मिलता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ,
आपका साफ तौर पर कहना यह है कि आपको बच गए हैं, आपको कोई नुकसान? ये तो ईश्वर की कृपा है, भगवती की कृपा है और गरीब लोगों की दुआएं हैं, पूरे राज्य की जनता के आशीर्वाद मेरे साथ है कि कोई घटना ऐसी नहीं घटी। लेकिन जिस प्रकार से वो हथियारबंद लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जो उनका तरीका था, उससे तो ये साफ लगता है कि अगर मैं यहाँ पे मौजूद होता तो कोई दुर्घटना हो सकती थी। बड़ी बात, धन्यवाद।